अकेली ही चली थी जाने बे मंजिल मगर, मैं अकेली ही चली थी जाने बे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आप सभी के जबरदस्त रिस्पांस के लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ और फिर स्वागत करते हैं एक दूसरे का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नेहा मलिक पर। लास्ट क्लास में बच्चे हमने प्रेपोजिशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उसी कॉन्सेप्ट पे पहले तो आप मुझे जल्दी से कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, फिर हम प्रेपोजिशंस को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपको मेरा काम पसंद आए। वी हैव फेस्ड विद मैनी प्रॉब्लम्स, इज देयर एनी एरर इन दिस सेंटेंस? वी हैव फेस्ड विद मैनी प्रॉब्लम्स, वी हैव फेस्ड, कौन सी वर्ब है भाई, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव बताइए भाई। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, वी हैव फेस्ड विद मैनी प्रॉब्लम्स। अगर ये वर्ब डायरेक्ट व्हाट या होम का आंसर कर रही है, वी हैव फेस्ड व्हाट मैनी प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारी समस्याओं को फेस कर चुके हैं। वी हैव फेस्ड व्हाट मैनी प्रॉब्लम्स, तो कैसी वर्ब है भाई, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको डायरेक्ट व्हाट या होम के आंसर की जरूरत पड़े, और जब इसको व्हाट या होम का आंसर मिल गया तो यानी क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है और वो कहती है कि मुझे किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे अपना ऑब्जेक्ट मिल गया है। समझ आ रहा है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। दीपिका मैरिड टू रणवीर सिंह, दीपिका मैरिड टू रणवीर सिंह, दीपिका मैरिड होम, होम या व्हाट का आंसर मिल जाए वर्ब को तो कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। दीपिका मैरिड होम रणवीर सिंह, कोई जरूरत है प्रेपोजिशन की, बोलिए भाई, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मुझे पता है जो आपको डाउट आ रहा है कि मैम हमने कहीं मैरी के साथ टू विद ये सब पढ़े, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, रुके रहिए अभी। शी डिडंट आंसर, क्या पढ़ते हैं बच्चे इसको, डिडंट, डिडंट। शी डिडंट आंसर माई कॉल, शी डिडंट आंसर माई कॉल, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत है यहाँ पे टू लगाने की, शी डिडंट आंसर टू माई कॉल, शी डिडंट आंसर माई कॉल, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बिना मुख्य वर्ब के नहीं आती मेन वर्ब। मेन वर्ब को चेक कर लेते हैं कि कहीं ये ट्रांसिटिव तो नहीं है, शी डिडंट आंसर व्हाट माय कॉल, तो ये जो मुख्य वर्ब है कैसी भूमिका निभा रही है, ट्रांसिटिव वर्ब की। कोई जरूरत है प्रेपोजिशन की, कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, तो गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, कोई टू विद की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, दे डिडंट टेल टू मी द प्लान, दे डिडंट टेल टू मी द प्लान, बताइए बच्चे सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही आंसर है क्या, टू नहीं आएगा मैम, वेरी गुड भाई, कते जहर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड इन द टेस्ट, आपको पता है ना क्यों नहीं आया यहाँ पे, दे डिडंट टेल होम मी, मुझे नहीं बताया आइडिया या प्लान, They didn't tell whom. तो जैसे ही बच्चे इस वर्ब को whom या what का आंसर मिल जाए तो कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब ये कहती है यार मुझे कोई प्रेपोजिशन मत दो। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड इन द टेस्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड what, टेस्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड what, द टेस्ट। तो बच्चे जब इस वर्ब को व्हाट या होम का आंसर मिल रहा है तो कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। समझ आ रहा है, अब ध्यान से सुनते रहना जो जो डाउट है आपको, मुझे समझ आ रहा है क्या डाउट है बच्चे। अगर ये यहाँ पे है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द इंटरव्यू, हो सकता है इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया हो, ठीक है, पर क्या पता बच्चे सेंटेंस ये कहना चाह रहा हो कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। अगर वो था कि टेस्ट पास कर लिया तो हैव क्वालिफाइड व्हाट, टेस्ट, तो कोई जरूरत नहीं थी प्रेपोजिशन की, क्यों, क्योंकि कैसी भूमिका निभा रही थी,
ट्रांजिटिव भूमिका निभा रही थी, पर अगर हम ये कहना चाहते हैं कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, यानी एक टेस्ट पास कर दिया और उसके बाद इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, तो आप यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा सकते हो फोर, अदरवाइज नहीं। समझ आ रहा है कि अगर आपने उस, देखिए मैं समझाती हूँ, एक हु विल पे फॉर द बिल, बहुत ध्यान से समझिएगा, हु विल पे फॉर द बिल, हु विल पे व्हाट द बिल, हु विल पे व्हाट द बिल, तो इस वर्ब को डायरेक्ट व्हाट का आंसर मिल रहा है। अगर वर्ब को डायरेक्ट व्हाट या होम का आंसर मिले तो वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, तो यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पर अगर मैं सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहां पे कह दूं हु विल पे फॉर द फूड, अब जरूरत पड़ेगी या नहीं, आप लोग बताइए। अगर मैं यहां पे आप कहो कि नहीं मैम अभी आपने बताया था ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको किसी प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हु विल पे रहने दीजिए, कोई प्रेपोजिशन मत लगाइए, पर बच्चे वहां पे बिल था, इमीजिएट रिसिपिएंट था, पर अब फूड को पे नहीं करना पूछ रहा, वो पूछ रहा है फूड के लिए कौन पे करेगा, समझ रहे हैं, तो रटना नहीं है। क्या पता किसी एक सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव की भूमिका निभा दे और किसी एक सेंटेंस में वो इंट्रांजिटिव की भूमिका भी निभा सकती है, तो यहां पे इस पे को डायरेक्ट रिसिपिएंट नहीं मिल रहा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए इसको, ये पूछ रहा है कि फूड के लिए कौन पे करेगा, तो ये सेंटेंस ठीक है, पर बिल कौन पे करेगा, तो वहां पे डायरेक्ट बिल व्हाट का आंसर ले रहा था, तो प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं थी, पर यहां पे फूड डायरेक्ट व्हाट का आंसर नहीं ले रहा है, फूड के लिए कौन पे करेगा, खाने के लिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात, बोलिए भाई, बहुत जबरदस्त यार। ऐसी सब समझ आता रहेगा यार, तुम लोग घबराओ मत, घबराते बहुत हो तुम लोग। देखिए बच्चे, अगर मैं कहूं आपको कि दीपिका इज मैरिड टू रणवीर सिंह, दीपिका इज मैरिड टू रणवीर सिंह, आप कहोगे हाँ मैम सेम क्वेश्चन है, टू नहीं आएगा, हटा दीजिए, पर ध्यान से देखिए क्या पहले वही क्वेश्चन लिखवाया था, कुछ चेंजेस नहीं है, सोच लीजिए वही क्वेश्चन है जो भी लिखवाया था, नहीं वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था दीपिका मैरिड रणवीर सिंह, समझते जाना अच्छे से, ये दोनों सेंटेंस दिखने में एक जैसे लग रहे होंगे पर जमीन आसमान का अंतर है, दीपिका मैरिड होम रणवीर सिंह, दीपिका ने शादी की होम, होम का आंसर चाहिए, कैसी वर्ब बन रही है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब बन रही है, इसको डायरेक्ट होम का आंसर मिल रहा है, तो बच्चे कोई प्रेपोजिशन की जरूरत है, बोलो भाई हाँ या ना, नहीं जरूरत है, सेंटेंस सही है। अब आप कहोगे ठीक है मैम तो इसमें भी तो वर्ब है, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। बच्चे अगर मैं यहां से रणवीर सिंह हटा दूं और मैं यहां से भी रणवीर सिंह हटा दूं, क्या दोनों सेंटेंस कंप्लीट हैं, दोनों सेंटेंस कंप्लीट हैं? आप कहोगे मैम ये तो कंप्लीट है, दीपिका इज मैरिड, दीपिका विवाहित है, पर दीपिका शादी की किससे, तो यहां पे ये क्या है, इनकम्प्लीट, इसको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, अब रणवीर कपूर मत लगा देना, अब वो बात पहले की है, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए यानी रणवीर सिंह, ठीक है, यानी जब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये इनकम्प्लीट है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, ट्रांजिटिव वर्ब है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, डायरेक्ट आपका रणवीर सिंह आ गया भाई, ठीक है। पर दीपिका इज मैरिड, दीपिका विवाहित है, इसको किसी की जरूरत है, नहीं। अब आप कहोगे पर मैम ये यहां पे वर्ब है,
ये वर्ब है ही नहीं यहाँ पे. हम लोग बोल नहीं देते शी इज मैरिड, शी इज अनमैरिड. वहाँ पे वो क्या भूमिका निभाता है? एडजेक्टिव. कई बार वर्ब एडजेक्टिव की भी भूमिका निभाती है. फॉर एग्जाम्पल, ही वरीज अलॉट. ध्यान से समझना, ही वरीज अलॉट, वह बहुत चिंता करता है, वर्ब है. पर अगर मैं कहूँ ही इज वरीड, देखो अब आप कहोगे मैम ठीक है वह चिंता करता है, पर यहाँ वह चिंतित है या चिंता करता है? इस वाले सेंटेंस में वह है चिंतित. यहाँ पे ये जो वर्ब है एडजेक्टिव की भूमिका निभा दी. कैसे कैसे? जब पूरे सारे सारे टॉपिक के आपको पीडीएफ और सॉरी जब सारे सारे वीडियोस मिलती जाएंगी आपको हर एक टॉपिक की, तो आप खुद लिंक कर लोगे. पर अभी बच्चों की डिमांड प्रेपोजिशंस को लेकर बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये वीडियो अपलोड करने की ट्राई किया है कि पहले बच्चों को समझ आ जाए. अदरवाइज़ अगर आपको वर्ब, नाउन, टेंस इनमें भी प्रॉब्लम है, बेसिक बहुत ही ज़्यादा डगमगाया हुआ है, तो जब वो वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी आप उनको देखने के बाद इस पर आ सकते हैं. ठीक है, ही इज वरीड, वह चिंतित है. यहाँ पे वह चिंता करता नहीं है, वह चिंतित है. तो यहाँ पे ये उसकी क्वालिटी दर्शा रहा है, और क्वालिटी दर्शाने वाले शब्द क्या? एडजेक्टिव. पर ऊपर वो वर्ब है, चिंता करता है. तो अब देखिए, अब मैंने क्या कहा, दीपिका इज मैरिड. अब बच्चे आप ही बता दीजिए कि दीपिका विवाहित है या शादी की? विवाहित है. ठीक है, अब ये एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है. किसकी भूमिका निभा रहा है बच्चे? एडजेक्टिव की. क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव, ड का साउंड नहीं आता. ठीक है, दीपिका इज मैरिड किसकी भूमिका निभा रहा है? एडजेक्टिव की. और आपको बताना हो कि किससे मैरिड है, किससे विवाहित है, ठीक है, अब प्रेपोजिशन आ सकती है. चुरन वीर सिंह, समझ आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा टाइम लगेगा पर चीजें समझ आएंगी. इस वाले सेंटेंस में ये वर्ब थी, दीपिका शादी की किससे? रणवीर सिंह से. होम का या व्हाट का आंसर चाहिए? तो ट्रांजिटिव वर्ब. जब होम का या व्हाट का आंसर मिल गया तो नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड. पर ऊपर वाले सेंटेंस में वो शादी करी नहीं, वो एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है, और एडजेक्टिव की जब ये भूमिका निभा रहा है तो ये प्रेपोजिशन लेगा टू. कुछ लोग कहते हैं कि मैम कहीं कहीं हमने देखा है कि दीपिका इज मैरिड विद रणवीर सिंह, विद भी आता है. और कुछ लोग तो और भी अलग हैं, वो बताते हैं कि मैम हम कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे बताया है कि लड़के के साथ शादी तो टू, लड़की के साथ शादी तो विद. ऐसा नहीं भैया, ऐसी चीज़ें ना पढ़ो कि लड़की के साथ शादी तो विद, लड़की के साथ शादी तो टू. ऐसा कुछ नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर वो क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रेपोजिशन नहीं आएगा. पर अगर वो एडजेक्टिव है तो वो प्रेपोजिशन लेगी, और सिर्फ और सिर्फ मैरी के साथ टू ही आएगा. कब? जब वो एडजेक्टिव है, विद नहीं. समझ आ रही है भाई इतनी चीजें? बोलिए समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया यार. एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रेपोजिशंस को कैसे शुरू किया. प्रेपोजिशन की डेफिनेशन जानी. प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करता है. किससे? किसी अदर वर्ड से. वो अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है, वर्ब, एडजेक्टिव और कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन. ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि प्रेपोजिशन को कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, किसके साथ? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ. किसके साथ? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ. कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? अगर वो क्या हो? इनट्रांजिटिव वर्ब. कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि मैं कहूँ ही इज स्विमिंग. बोलो भाई, ही इज स्विमिंग. इसको किसी की जरूरत है? इस वर्ब को किसी की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही. ही इज स्विमिंग. किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही. ये अपने आप में क्या है? कंप्लीट है. अपने आप में क्या है? कंप्लीट है. ही इज स्विमिंग, इतना सेंटेंस भी सही है. पर अगर आपको कुछ लिखना हो, द रिवर, द स्विमिंग पूल, कुछ भी, ठीक है, तो ये वर्ब कहती है कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूं.
मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में कंप्लीट हूं, तो मैं कैसी वर्ब हूं? इन ट्रांजिटिव वर्ब। पर अगर तुम मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट लोगे तो तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक प्रेपोजिशन की। यस, ही इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, थ्रू द रिवर, इन द रिवर, लाइक दिस। अभी हम इंडिविजुअल प्रेपोजिशंस पे नहीं आए हैं कि अक्रॉस की यूसेज, अंडर की यूसेज, उन पे भी हम अभी आएंगे, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इसकी डेफिनेशन, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ज़बरदस्ती कोई ऑब्जेक्ट लिखोगे तो प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी ज़रूरत के अनुसार। अब बचे काइंड्स। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस। कितने प्रकार की प्रेपोजिशंस होती हैं? अच्छा, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी, एक चीज और मुझे बताना, एक मिनट रुक जाना। अगर मैं आपको कहूं ही हैड नो आंसर माई कॉल, और अभी एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया था कि He didn't answer my call. एक और मेरी कोशिश है कि अगर अभी भी कोई बच्चा थोड़ा सा भी डाउट में है, आई होप इस एग्जाम्पल से समझ आ जाए। ही डिडंट आंसर माई कॉल, ही डिडंट आंसर वॉट माई कॉल, तो कैसी वर्ब रही? ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी रही? ट्रांजिटिव। इसको डायरेक्ट वॉट या होम का आंसर मिल गया, सही है। He had no answer my call. क्या यहां पे भी ये वर्ब है? He had no answer. No के बाद वर्ब। हम ये बोल सकते हैं No student is present, No book is available. तो No के बाद जनरली क्या आता है? Noun. No student, No books, इस तरह से, ठीक है? तो No के बाद क्या आता है? Noun. तो यहां पे क्या ये वर्ब है? नहीं। लास्ट क्लास, लास्ट वाली वीडियोस आप जरूर देखिएगा प्लीज, ठीक है? ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नाउन का। उसके पास उत्तर नहीं था मेरे कॉल का, ठीक है? या फिर टू माय क्वेश्चन, कुछ भी इस तरह से, ठीक है? उसके पास कोई उत्तर नहीं था मेरे प्रश्न का, मेरी कॉल का, ठीक है? यहाँ पे ये क्या है? नाउन है। पर उसने आंसर नहीं किया, उसने उत्तर नहीं किया, तो जब कुछ एक्शन झलका वो क्या है? वर्ब है। तो यहां प्रेपोजिशन नहीं आएगी। पर ऊपर वाले में आंसर वर्ब था ही नहीं, वो नाउन था। ही हैड नो आंसर टू माई क्वेश्चन, उसके पास मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं था, ठीक है भाई? समझिएगा, आप वीडियो को बार बार देखिए। कोई डाउट है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ठीक है, कि नहीं मैम ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि एक और वीडियो के साथ उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। अब आगे आने वाली बचे, ये जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे। अब जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है कि मैम जल्दी से बताइए इनके यूसेज, बहुत घबराहट होती है, कहाँ अबव, अंडर, ओवर, ये सब आता है, ठीक है? अब आगे आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे? काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस। बस ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस प्रकार, प्रेपोजिशंस क्या क्या बता सकती हैं, प्रेपोजिशंस क्या क्या बता सकती हैं, या तो वो टाइम बता सकती हैं और या पोजीशन बता सकती हैं, या प्लेस के बारे में कोई जानकारी दे सकती हैं, या लोकेशन के बारे में कोई जानकारी दे सकती हैं, या मूवमेंट के बारे में कोई जानकारी दे सकती हैं, और बच्चे एक तो ये कैटेगरी हो गई, एक ये हो गई, और एक होता है लास्ट फिक्स्ड। फिक्स्ड जिनको ग्रामर ने बिल्कुल फिक्स किया हुआ है कि कब हम सरप्राइज्ड के साथ एट, कब सरप्राइज्ड के साथ बाय, कब एंग्री के साथ एट, कब एंग्री के साथ विद, इस तरह से, ठीक है? कुछ फिक्स्ड है वो हम लास्ट कैटेगरी करेंगे। ज़्यादातर आजकल सवाल फिक्स्ड से आने लग गए हैं, ठीक है? पर बच्चों को कन्फ्यूजन इनमें होती है, इनका तो बच्चा किसी तरह से रट्टा वट्टा मार लेता है, कन्फ्यूजन इनमें होती है, सवाल ज़्यादातर इस पे बन रहे हैं। पर हमें क्या उतनी फिक्स प्रेपोजिशंस करनी ज़रूरी है जितनी किताबों में दी हुई हैं? किताबों में फिक्स प्रेपोजिशंस बहुत दी हुई हैं, पर लिमिटेड प्रेपोजिशन ही बार बार पूछी जा रही हैं फिक्स्ड पे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि क्या क्या आपको चीज़ें करनी है प्रेपोजिशन
प्रीपोजिशंस चैप्टर बहुत बड़ा है, पर आपको कितना ज़रूरी है पढ़ना वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. और मैंने जैसे भी कहा कि जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है. जुड़े रहिए इंग्लिश विद नेहा मलिक पे. थैंक यू नेहा मलिक.